एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आई एम नेहा। तो आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ मैदे की नमकीन मट्ठी की रेसिपी। होली पर मैदे की कई तरह की रेसिपीज़ हर घर में बनाई जाती है और होली पर गेस्ट के सामने वैरायटीज़ ऑफ स्नैक्स सर्व करना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की है मट्ठियाँ ये दो तरह के शेप में, जिनका टेस्ट एंड फ्लेवर एकदम मार्केट जैसा है एंड ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी एंड क्रंची बनी है। बहुत आसानी से बनने वाली ये मेथी की मट्ठी की रेसिपी घर पर आप बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हो। सो क्विकली देख लेते हैं इन मट्ठी का टेक्सचर। बाहर से ही जितनी अच्छे से क्रिस्पी हुई हैं, अंदर से उतनी सॉफ्ट और अच्छे से बेक हुई हैं, देख सकते हो आप इनका क्रंच एंड इनका टेक्सचर। मक्खी की सुपर मॉइस्ट एंड क्रिस्पी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने बाउल में, ये घर की कटोरी है, इससे मेजरमेंट कर रही हूँ। तो मैंने दो कटोरी लिया है मैदा एंड इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। ऐड कर रही हूँ अजवाइन, कैरम सीड्स, ये है 1.5 टीस्पून एंड मेथी की मट्ठी में कसूरी मेथी मैंने ली थी 2 बड़े चम्मच। डालडा लिया है मैंने यहाँ पर, आप इसके प्लेस पे देसी घी ले सकते हो। तो मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है डालडा एंड इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्सचर हमारा इस तरह से हाथ में बांधने पे अच्छे से बाइंड होना चाहिए, इतना ही हमें इसमें घी या डालडा डालना है। उसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर लेके धीरे धीरे से इसको अच्छे से बाइंड करूँगी और मैदे को हमें सूखा पार्ट ना रहने तक अच्छे से नीड करना है। तो देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बैचेस में पानी ऐड करते हुए इसको अच्छे से बाइंड कर रही हूँ। तो मैदे का कोई भी सूखा पार्ट नहीं रह गया है और डो को हमने बहुत अच्छे से नीड कर लिया है। तो आपको भी इस तरह से रफली इसको नीड कर लेना है और इसको हम रेस्ट देंगे 10-15 मिनट्स के लिए। उसके बाद ये देख सकते हो आप, ये डो हमारा परफेक्टली रेडी है और इसको हम एक बार फिर से अच्छे से नीड कर लेंगे। और मैदे के डो को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद जो हमने 1 पोर्शन है इसको हम अच्छे से हाथ की हेल्प से इस तरह से वर्टिकली इसको रोल कर लेंगे। और इसको मैंने यहाँ पर प्लेट में रख लिया है और 1-1 इंचेस के पेड़े के रूप में इसे कट किया है। तो इस तरह से हमें इसमें पूरे डो में कट लगा लेने हैं और इस तरह से पेड़े को हाथ की हेल्प से बहुत हल्के प्रेशर से रोल कर लेना है और इस तरह से छोटे छोटे पेड़े हमें रोल करके रख लेने हैं। तैयारी करते हैं नेक्स्ट मट्ठी की। सेकंड पोर्शन मैंने लिया, उसमें से भी 2 पार्ट डिवाइड किए, दोनों पार्ट में से 1 पार्ट को लेके इसे रोल कर लेंगे एंड ये रोल हम इस तरह से करेंगे बहुत हल्के प्रेशर के साथ। और इसकी रोटी हमें थिक रखनी है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज़ की कोई भी बॉटल कैप ले सकते हो आप, तो उससे मैंने यहाँ पर शेप्स निकाल लूँगी। तो ये बटन साइज़ मट्ठी कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस तरह से आप बटन मट्ठी बहुत इजीली तरीके से घर में प्रिपेयर कर सकते हो और टी टाइम ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है स्नैकिंग के लिए। तो इस तरह से क्विकली हम इसके शेप्स निकाल लेंगे और रेस्ट पार्ट को भी मैं अलग कर दूँगी और इसे हम फिर से रोल करके इसकी भी बना सकते हैं। तो सेकेंड पोर्शन को भी मैंने अच्छे से रोल किया और ज़्यादा प्रेशर से हमें इसे नहीं रोल करना है, बहुत लाइट प्रेशर के साथ मैंने यहाँ पर रोल किया। और इस तरह से हम छोटी छोटी मट्ठी को रेडी कर लेंगे। अब हम बेक करने वाले हैं सभी मट्ठियों को ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को हीट कर लिया है। तो सबसे पहले फ्राई करेंगे बटन साइज मट्ठी। ऑयल की फ्लेम हमें अब स्लो कर देनी है और सभी बटन साइज मट्ठी को उसमें अच्छे से हमें डीप फ्राई कर लेना है। तो मैंने सभी मट्ठी को इसमें डाल दिया है और करछी से स्लोली स्लोली हम इसे चलाते भी रहेंगे क्योंकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है और सभी मट्ठियाँ इसमें हैं। तो आप देख सकते हो थोड़ी ही देर में हल्की गोल्डन ब्राउन ये हो गई हैं। तो हमें इन्हें अभी ऐसे ही स्लो फ्लेम पे ऐसे बेक होने देना है ताकि इनमें क्रंच ऐड हो जाए, अंदर से अच्छे से बेक भी हो जाए। तो देख सकते हो आप, इनका गोल्डन ब्राउन कलर परफेक्टली बेक हो गई हैं और इनमें क्रंच भी ऐड हो गया। मैंने सेम कढ़ाई पे अब इसमें ऐड करूँगी जो हमने नॉर्मल मट्ठी रेडी करी थी। तो इन्हें भी मैं 3-4 के बैचेस में इसमें अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ और गैस की फ्लेम नॉर्मल टू मीडियम रहनी चाहिए इस प्रोसेस में। तो इस तरह से बैचेस में मैंने ऐड कर दी थी और स्लोली स्लोली हम इन्हें टर्न करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छे से बेक होती रहे। और थोड़ी देर में देखना आप, ये हल्की हल्की टाइट होने लगेंगी तो नीचे से इनमें हल्का सा कलर ऐड हो जाएगा। तो हम इन्हें टर्न कर देंगे और फिर इन्हें
स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से बेक होने देना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी और अच्छे से कुक हो सके। तो अच्छे से हमें टर्न करते हुए फ्राई करते रहना है। आप देख सकते हो यहाँ पर गैस की फ्लेम एकदम स्लो है और थोड़ी देर में ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ले लेंगी और ये अंदर तक अच्छे से कुक हो चुकी हैं। सो आई होप मट्टी की ये सिंपल एंड ईजी रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे होली पर ज़रूर बनाने वाले हो। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।